बथुआ की भाजी सिर्फ जाड़े के मौसम में आती है और आज हम बना रहे हैं इसके बहुत ही टेस्टी पराठे। तो शायद ये पराठे आप भी घर पे बनाते होंगे, पर आज का तरीका थोड़ा सा स्पेशल है जिससे खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा जिससे आप भी इन पराठों को एकदम परफेक्ट बना सकें। तो यहाँ पर है मेरे पास बथुए का साग और अब हमें इसको साफ़ करना है। तो इसमें से जो भी मोटी वाली डंडियाँ हैं और या फिर जो पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं हम उनको हटा देंगे। तो ये देखिए साग को मैंने साफ़ कर लिया है और अब हम इसको 3 से 4 बार कम से कम बहुत अच्छे से पानी से धो लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए मैंने बथुए को साफ़ कर लिया है और हम इसको कुकर में डाल देंगे। तो इसको हमें 2 सीटियाँ लगानी है और इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें से इतना पानी निकलेगा कि बथुआ जो है आराम से उबल जाएगा। तो बस इसमें हम 2 सीटियाँ लगा लेंगे। अब जब तक बथुआ बॉईल हो रहा है हम फटाफट आटा गूंथ लेते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका सॉफ्ट और स्मूथ डो लगा लेंगे। और ये देखिए हमारा आटा भी गूंथ गया है। इसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ऊपर से, तो इससे क्या होगा आटा बहुत स्मूथ हो जाएगा और पराठे बेलते समय काफ़ी आसानी रहेगी। इसको हम कवर कर लेंगे और आइए फटाफट पराठों के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। बथुआ बहुत अच्छे से बॉईल हो गया था और आप देखिए कितनी कम क्वांटिटी में रह गया है और मैंने इसको कुकर से निकाल लिया था और बस हम इसको अब इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बस इसको रफली मैश कर लिया इस तरह से और अब हम इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पैन को गर्म किया है, इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा ऑयल। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। इसमें हम डाल देंगे बॉईल किया हुआ और मैश किया हुआ आलू। तो 2 बड़े साइज़ के आलू थे इसमें, वो डाले हैं मैंने। तो इसमें आलू के साथ बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। खाली बथुए के भी बनते हैं पर बथुआ आलू के पराठे बहुत ही यमी बनते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ बथुआ। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें आप, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है और अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। मतलब अगर आप गरम गरम स्टफिंग भरेंगे तो पराठे जो हैं फट जाएंगे बेलते समय, तो हम इसको फटाफट ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बथुआ और आलू बिल्कुल ठंडा हो चुका है और अब फटाफट पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक पेड़ा ले लेंगे, इसको हल्का सा सूखे आटे में डिप करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो बेलते समय ध्यान रखिएगा कि साइड्स जो हैं पतले रहें हल्के से, और इसमें अच्छे से स्टफिंग करेंगे अब हम सेंटर में। और इसको बस प्लीट्स लगा के हम फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे जिससे कि इसको बेलने में आसानी रहे। और पहले हाथ से इसको इस तरह से फैला लेंगे, इससे क्या होगा कि जो पराठा हम बेलेंगे वो फटेगा नहीं। आई थिंक किसी भी स्टफ पराठे के लिए बेसिक ट्रिक है। हाँ, बेसिक ट्रिक है बिल्कुल इस तरह से बनाने की, और बिल्कुल धीमे हाथों से बेलना है क्योंकि काफ़ी सारी स्टफिंग की है, तो अगर ज़रा सा भी तेज़ हाथ लगाएंगे तो ये फट जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से बेल लिया है और गैस को मैंने पहले ही ऑन कर दिया था। थोड़ा सा सूखा आटा डाल के देखेंगे। तो ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया, इसका मतलब हमारा जो तवे का टेम्परेचर है पराठा डालने के लिए परफेक्ट है। हम ये पराठा इस पर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा सिकने देंगे। तो इस पराठे को हम पलट देते हैं, ये देखिए, और इसको मैं सेकूंगी सरसों के तेल से क्योंकि उसी से ये जो है बहुत ही यमी लगता है खाने में। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। इसको पलट देंगे हम और थोड़ा सा तेल इस साइड में लगा लेंगे। तो सरसों के तेल की खास बात होती है कि इसमें खुद की भी खुशबू होती है। बिल्कुल, उससे टेस्ट डबल हो जाता है। ऑफकोर्स कुछ लोग इसको जला के यूज करते हैं, हम लोग तो काफी तक कच्चा ही यूज कर लेते हैं, थोड़ा जलाते हैं। हाँ, तो उसकी खुशबू बरकरार रहती है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल खुशबू नहीं चाहिए तो जब आप सब्जियां बनाए इसकी तो अच्छे से तेल को पहले गर्म कर लें, जब तक उसमें स्मोक ना आने लगे तब आपको उसमें से खुशबू नहीं आएगी। ये देखिए बस दबा दबा के अच्छे से
मीडियम फ्लेम पे सेकना है जिससे कि ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक सके। छिलके बहुत मज़ेदार लग रहा है। हाँ, और इसमें से जो सरसों के तेल की खुशबू आ रही है वो बहुत बहुत ऐसा लग रहा है बस खाई जाओ इसको। तो इसको खाने के लिए सर्व किसके साथ करना है? वैसे दही के साथ खा सकते हो, अचार के साथ खाते हो, मतलब मैं तो, मुझे पराठे स्पेशली ना अचार और बटर के साथ बहुत पसंद है। देखिए बिल्कुल सिक्के तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी थाली भी तैयार है। मुझे स्टफ़ पराठा सबसे ज़्यादा पसंद है बटर और अचार के साथ, तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। ये पराठा खाने के लिए आपको सच में, वैसे तो चटनी, अचार, दही किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना टेस्टी बनता है कि आप उसको ऐसे ही खा सकते हो। तो आप भी बताइएगा कि आप बथुए से और क्या क्या बनाते हैं। एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।